सिंपल सी चीज है तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब जितने नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो डन फिर उनकी पावर में वन अपॉन वो नंबर लिख दो जितने ये है दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन क्लियर होगी चीज लेकिन ये तो दो नंबर्स हुए तो इजीली हो जाएगा तीन नंबर्स हुए चार हुए तो भी इजीली हो जाएगा a into b into c into d की पावर 1/4 राइट लेकिन अगर ज्यादा डाटा हुआ फिर कैसे करेंगे उसके लिए हम करने वाले फॉर्मूलाज जिसमें हम लोग एंटीलॉग यूज करेंगे कल टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिए थे लोग एंटीलॉग की वीडियोस कि आप पहले ये पढ़ के रखो तभी आपको जोमेट्रिक मीन क्लियर होगा समझ आई ये चीज लोग एंटीलॉग के बिना आप जोमेट्रिक मीन नहीं कर सकते आपको लोग एंटीलॉग एंटी आने चाहिए मैं लोग एंटीलॉग कैसे निकालते हैं पहले ही ले चुकी हूँ इसकी क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो पहले आपको लोग एंटीलॉग सीखना है ठीक है आपको एग्जाम में लॉक टेबल मिलता है आप वहां से वैल्यूज निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं आती तो करें स्टार्ट आज की क्लास तो आपके पास नोटबुक कैलकुलेटर प्लस लोक टेबल होना चाहिए अगर आपको मेरे साथ क्वेश्चन करने हैं तो आपको लोक की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे ठीक है मैं डायरेक्टली नोट करूंगी वैल्यूज लोक की लेकिन आप निकाल के देखोगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट टॉपिक इज जोमेट्रिक मीन फोर एन इंडिविजुअल सीरीज सुपर डुपर इजी पहले बताओ इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है जल्दी से बता दो वो सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं है ना तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स ले लिया इसमें वन टू थ्री फोर बस यही नंबर होंगे कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होगी उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मुला बहुत इजी है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लोग एक चीज माइंड में बिठा लो ज्योमेट्रिक मीन के हर फॉर्मुला में बाहर एंटी एंटीलोग आएगा ही आएगा अंदर समीशन लोग एक्सपोल एंड बहुत सिंपल है मीन का फॉर्मुला क्या था अर्थमेटिक मीन का ध्यान से याद करो दैट इज समीशन एक्सपोन बस बाहर एंटी एंटीलोग लिखना है और x के साथ लगाना है वो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन में ये चीज क्लियर है बस बाहर क्या लिखना है एंटी एंटीलोग एक्स के साथ लिखना है लोग सारे फॉर्मुला अर्थमेटिक मीन के किस में चेंज हो जाएंगे ज्योमेट्रिक मीन में तभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन आता है ज्योमेट्रिक मीन तो आ जाएगा समझ आ गया फॉर्मला एंटीलॉग समीशन फॉर द इंडिविजुअलोट्रिक मीन फॉर इंडिविजुअल कैसे आते हैं कैलकुलेट द जोमेट्रिक मीन ऑफ दीरीज सीरीज दे रखी है और इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछ रखा है अब ध्यान से देखो बिल्कुल ये कौन सी सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज है क्यों इंडिविजुअल सीरीज क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं

अगर एक्स वन टू है समीशन एक्स थ्री होगा सिमिलरली मैं लोग निकालूंगी लोग की सारी वैल्यूज को वैल्यूड करूंगी मुझे समीशन लोग एक्स मिल जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं चले आगे आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू नोट कर लो टेन वन हंड्रेड टेन वन ट्वेंटी फिफ्टी ऐसी ऐसे आप लोग एक्स निकालोगे सबका टेन का लोग वन होता है ये चीज तो रख लो आप यहाँ पे लोग टेन क्या होता है वन होता है ये चीज का ध्यान रखना ऐसे लोग वन हंड्रेड टेन निकालोगे वन ट्वेंटी टेबल में से देख के निकालोगे कैसे लोग निकालते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पहले आप लोग एंटीलॉग अच्छे से सीख लो ठीक है थ्री वीडियो है उस प्ले में तीन वीडियो से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा लोग एंटीलॉग सारे निकालने ठीक है यहाँ पे आप सारे सारी वैल्यूज के क्या निकालोगे लॉग निकालोगे उन सब को एड करोगे आपको नीचे क्या मिल जाएगा समीशन लॉग एक्स मिल जाएगा समझ आई चीज नहीं अभी देखो थोड़ा सा और मैं बताता हूँ देखो लोग तो सीखना पड़ेगा आपको ठीक है अब यहाँ पे मैंने एक्स नोट कर लिए टेन वन हंड्रेड टेन ट्वेंटी फिफ्टी जितने थे ठीक है लोग एक्स निकाला मैंने आपको बताया था कि लोग टेन क्या होता है वन होता है कुछ चीजें माइंड में रखो लोग टेन क्या होता है, 1 होता, है।, 100 क्या होता, है? होता है लोग हंड्रेड क्या होता है टू होता है लोग थाउजेंड क्या होता है थ्री होता है जितनी जीरोस जीरो पे होंगी वन के साथ उतना लोग हो जाता है लोग ट्वेंटी नहीं मैं कुछ कह सकती क्या है लेकिन अगर वन है आगे जीरो है तो वन आएगा लोग हंड्रेड है तो टू आएगा लोग थाउजेंड लिखा है तो थ्री आएगा लोग ये चीज क्लियर है ऐसे 110, 120 आप टेबल में से देख के प्रॉपर निकालोगे आपको लोग की ये वैल्यूज मिल जाएंगी एक चीज और मान लो इनकी वैल्यू आ रही है 2.0414 और आपके टू पॉइंट जीरो थ्री या 23 थ्री मान लो यहाँ पे 4 आ रही है ठीक है तो आप इतना डिफरेंस चला सकते हो 2.0 आ गया 3 आ गया ठीक है इतना डिफरेंस आप चला सकते हो तो कोई ये नहीं है प्रॉपर आपको टू ही ढूंढना है ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है आंसर में भी एंड लोग की वैल्यूज में भी

यहाँ पे क्या आ जाएगा 8. 8 से डिवाइड करो जो आंसर आएगा उसका एंटीलोग लो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा फिर से मैं बोल रही हूँ लोग एंटीलोग के बिना ज्योमेट्रिक मीन नहीं आएगा पहले जाके एंटीलोग लोग आपको सीखना पड़ेगा क्लियर है चीज जिनको आता है अपना टेबल पास रखो और साथ साथ कैल्कुलेशन करो मैं आंसर यहाँ पे मैं कर दूंगी सो so देट आप आंसर मैच कर क्लियर है चीज?

इक्वल टू मैंने क्या कहा था हर फॉर्मुला में एंटी लोग आएगा फिर आगे समीशन आएगा ठीक है यहाँ पे लोग एक्स था ना यहाँ पे एफ लोग एन बन जाएगा बस इतना सा डिफरेंस है पहले सिर्फ लोग एक्स लिखा था इंडिविजुअल के लिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ लोग एक्सपोन दिस इज द फॉर्मुला फॉर द किसके लिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्लियर है सुपर डुपर इजी टॉपिक है अगर आप फॉर्मुलाज अच्छे से कर लेते हो तो चले इसके क्वेश्चन पे चलिए देखिए क्या लिखे फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट दिस आप यहाँ पे देखो x दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी देखते मेरे माइंड में क्या आएगा दैट इज ये क्या है डिस्क्रीट सीरीज है ठीक है फिर डिस्क्रीट सीरीज का मैं फॉर्मुला लिखूंगी एंटी लोग दैट इज जल्दी से बताओ समीशन में साथ साथ बोलो एफ लोग बहुत ईजी है अगर आप एक बार लिख लोगे लर्न हो जाएंगे मतलब मुझे f log x निकालना है फिर उसका सम निकालना है एन से डिवाइड करना है फाइनली एंटी एंटीलोग निकालना है मुझे जो मेट्रिक मीन मिल जाएगा अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप टेबल इजीली बना सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं स्टैट्स के अगर आपको फॉर्मूला लाना ला है ठीक है तो समीशन एफ लोग एक्स अपॉन एंड तो यही इन्होंने किया हुआ है देखो पहले सारे एक्स नोट किए सिक्स सेवन एट नाइन टेन सारे नोट कर लिए फिर ये एफ नोट किया हुआ है आप लोग एक्स निकालोगे लोग सिक्स लोग सेवन लोग एट लोग नाइन ये सारे निकालोगे अगेन देखो लोग टेन कितना लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है लोग इलेवन ट्वेल्व आप टेबल से निकालोगे फिर आपको क्या चाहिए फॉर्मूला में एफ लोग एक्स एफ वाले कॉलम को लोग एक्स से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे मल्टीप्लाई तो आप बहुत इजीली कर सकते हो कैसे कर सकते हो बहुत इजीली किसकी हेल्प से कर सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग एंटीलोग भी निकाल सकते हैं बट वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है सिक्स टू सेवन स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप कैलकुलेटर से निकालते हो लोग, लोग। तो इससे बेटर है कि आप टेबल से ही सीखो लोग एंटीलॉग निकालना ठीक है लेकिन मैं फिर भी किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी कि सिंपल कैलकुलेटर से आप लोग एंटीलॉग कैसे निकाल सकते हो ठीक है लेकिन आप बताओ इतनी सारी वैल्यूज अगर आप करोगे एक लोग एंटीलॉग निकालने के लिए आपको मान लो फोर टू फाइव स्टेप्स करने पड़ रहे हैं तो इसके लिए 4 to 5 steps इसके लिए लिए करोगे, करोगे, इससे अच्छा टेबल में ही देख लो values क्या है। समझ आ रही है चीज़? पर मैं फिर भी एक बार शेयर कर कि simple calculator से log, -log कैसे देख सकते हैं। ये values आ गई इसके बाद इसका समीशन निकाल लिया देखो क्यों क्योंकि मुझे फॉर्मुला में चाहिए एंटीलोगीशन एफ लोग क्या है दैट इज नाइनटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स टू टू एन कितने एन कैसे निकालते हैं जब फ्रीक्वेंसी हो इन सब का सम करके, N है। जब तो सम करके पहले डिवाइड करना फ्रीक्वेंसी के सम से इसे फाइनली एंटीलॉग निकालना मैं आंसर इसका भी यहाँ है। है हैं अभी हमने किसके लिए डिस्कस किया दैट इज इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए अब बात करते हैं कंटिन्यू सीरीज के लिए मैं एंड में भी क्लास में आपको पूरे फॉर्मला एक ही स्लाइड पे लिख दूंगी सो दैट आप इजीली देख पाओ ठीक है कंटिन्यू सीरीज में क्या होता है इंटरवल्स होते हैं फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन इंटरवल्स होते हैं जैसे जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी अभी बनाएंगे यहाँ पे बिलो वर्ड लिखे ना जब बिलो हो लेस देन हो हम खुद इंटरवल्स बनाते हैं ठीक है तो इंटरवल्स हो फ्रीक्वेंसी हो उन्हें कंटिन्यू सीरीज कहते हैं अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सुपर डुपर इजी देखो कैसे क्या होगा जोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू लोग बिल्कुल सेम डिस्क्रीट वाला है लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे समीशन एफ लोग एक्स की जगह बस एम आएगा बाकी सारा फॉर्मूला सेम है जो कि डिस्क्रीट के लिए था समझ आई ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लोग समीशन एफ लोग एम अपोन एन आ जाएगा एक्स की जगह बस एम आ जाए ये चीज क्लियर है

फिफ्टी तक इंटरवल्स क्यों बने क्योंकि यहाँ पे बिलो वर्ड लिखा है बिलो इज सेम एज दैट लेस देन जैसे लेस देन टेन लेस देन ट्वेंटी लिखा हो वो यहाँ बिलो लिखा हो अपने ऐसे इंटरवल्स बनाएंगे इस वर्ड को इग्नोर नहीं करना क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देगा मार्क्स आपको इग्नोर कर देंगे समझ आ रही चीज बिलो वर्ड को ध्यान से देखना है फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब भी बिलो हो लेस देन हो ये हमेशा हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं सी एफ होता है क्या होता है ये क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन सेवेंटी टू नाइन टू हंड्रेड जिन्होंनेटिक मीन अच्छे से किया उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ऊपर वाला लिखना है।, 12 आपने लिखना है फिर आपने क्या करना है दिस माइनस दिस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेल्व सेवेंटी टू माइनस ट्वेंटी ऐसे माइनस करते जाना है आपको फ्रीक्वेंसीज मिलते जाएंगे क्लियर है चीज जब भी बिलो लिखा हो ये सी एफ होता है एफ नहीं होता एफ आपको निकालना होता है ऊपर वाला सेम रखना है एंड माइनस करते जाना ये चीज क्लियर समझ आई ये चीज बहुत सिंपल है अब देखो आगे क्वेश्चंस में भी ये किया हुआ है जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी ये सारे क्या बनाए हुए हैं मेरे पास ये सारे इंटरवल्स बनाए हुए हैं ये फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको बताई है माइनस करके ठीक है अब ध्यान से देख अब मिड वैल्यूज चाहिए क्योंकि इंटरवल है तो हमें मिड वैल्यूज चाहिए होंगी जीरो की मिड वैल्यू कैसे निकलेगी जीरो प्लस टेन डिवाइड बाई टू दैट इज फाइव यहाँ लिखा हुआ है टेन और ट्वेंटी की मिड वैल्यू टेन प्लस ट्वेंटी डिवाइड बाई टू दैट विल बी थर्टी बाय टू कितना आ जाएगा फिफ्टीन वो यहाँ लिखा हुआ है नहीं तो बिल्कुल देखने से पता लग रहा है ट्वेंटी और थर्टी के बीच में क्या आएगा ट्वेंटी फाइव थर्टी और फोर्टी के बीच में थर्टी फाइव फोर्टी फिफ्टी के बीच में क्या आएगा दैट इज फोर्टी फाइव ये सारी मिड वैल्यूज आ जाएंगे अब ध्यान से देखो ये मेरे पास क्या आ गया m आ गया ये मेरे पास क्या है f है अब इसका फॉर्मूला क्या था दैट इज एंटी लॉग समिशन f log m अपॉन n ये इसका फॉर्मूला था अब ध्यान से देखो ये m था ना इसका log चाहिए ये रहा log m का ये मिड वैल्यूज का ही log निकाल रहे हैं यहाँ पे m लिख लो ठीक है ये सबका log निकल गया फिर मुझे चाहिए f log m का समिशन एफ लोग है मतलब इस लोग एम वाले कॉलम को इस एफ वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो ट्वेल्व इंटू जीरो का सम वो आप लिख दोगे उसके बाद जो आंसर आएगा उसका क्या लेना है लॉग लेना है जब आप लॉग लोगे आपको फाइनल ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा मैं एंटी लॉग हर क्वेश्चन में नहीं ले रही मैं ऑलरेडी ये करवा ये चीज क्लियर है पॉइंट लिख देना एट पॉइंट थ्री एट एट यहाँ पे गलती से जीरो लिख दिया था पॉइंट आएगा यहाँ पे भी यहाँ पे जीरो लिख दिया था पॉइंट आएगा ठीक है बाकी सब ठीक है क्लियर है चीज क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे लेकिन कैलकुलेशन एंड एंटी एंटीलोग पे कमांड होनी चाहिए चले यहाँ की फॉर्मुला यहाँ तक क्लियर है तीनों सीरीज का इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस समझ आ गई चीज मैं एक साथ यहाँ तीनों के फॉर्मुलाज लिख रही हूँ फिर हम चलेंगे दैट इज फॉर द कम्बाइंड जोमेट्रिक मीन और लास्ट रह जाएगा वेटर टॉपिक बहुत हैोग है, तो आना डिस्क्रीट आना है। में एंटीलोग बिल्कुल सेम है सब लेकिन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सेम फॉर्मुला देखो बस इसमें क्या लिख दी फ्रीक्वेंसी लिख दी फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूज में क्या हुआ बिल्कुल सेम है लेकिन एक्स की जगह क्या आ जाएगा एम आ जाएगा ये तीन फार्मूला इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बताओ इसमें कोई दिक्कत सुपर डुपर इजी चले आगे नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन ये भी इजी है इसका फार्मूला क्या है देखो अब हर मैंने कहा है ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूला में बाहर क्या आएगा एंटी लॉग तो ये पीछे क्यों रहेगा फिर अंदर क्या आएगा n1 log g1 plus n2 log g2 upon n1 plus n2 that's it this is the formula for the combined metric क्लियर है चीज एन वन क्या है अभी आपको पता लगे फर्स्ट सीरीज में कितने नंबर्स हैं लोग इज फर्स्ट सीरीज का लोग का जो आपको पता लगेगा क्वेश्चन में एन टू सेकेंड सीरीज का अपॉन एन वन प्लस एन टू कंबाइन का मतलब आपको अलग अलग दिया होता है ज्योमेट्रिक मीन कंबाइन करके कंप्लीट ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं जैसे मैंने अर्थमेटिक मीन का एग्जाम्पल दिया था गर्ल्स के वेट का अर्थमेटिक मीन दे रखा है बॉयज के वेट का अर्थमेटिक मीन दे रखा है टोटल क्लास के वेट का अर्थमेटिक मीन पूछ रखा है वो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है ज्योमेट्रिक मीन छोटे ऑफ टेन आइटम्स टू बी ट्वेंटी टेन आइटम्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है दैट इज ट्वेंटी एंड दैट ऑफ ऑफ ट्वेंटी आइटम्स मतलब ट्वेंटी आइटम्स इज एन टू ट्वेंटी बस फाउंड टू बी 15 ज्योमेट्रिक मीन ये कितना है 15 फाइंड द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन मुझे जी निकालना है ठीक है इसको g1 ले लो इसको g2 ले लो g कैसे निकलता है जल्दी से बता दो एंटी लोग दैट इज n1 g1 प्लस नहीं 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 रुको 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 मैं सोच रही डायरेक्ट पुट कर दूं पर फार्मूला लिखते हैं ठीक है पहले फार्मूला ही लिखते हैं n1 log g1 plus n2 log g2 अपोन n1 plus n2 अब वैल्यूज डालो n1 कितने दैनास देखो 10 log g1 log 20 plus n2 20 log 10 अपोन n1 plus n2 30 आ जाएगा बाहर क्या आएगा anti log अब आप log 20 की वैल्यू डालो log 10 की वैल्यू डालो कैलकुलेट करो ये अंदर वाला सारा एंड फिर एंटी log निकालो आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बहुत सुपर ऊपर इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो समझ आ गई चीज कंसेप्ट क्लियर है फॉर्मूला क्लियर है ज्योमेट्रिक मीन इतना ईजी है नेक्स्ट पे चलते हैं दैट इज वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ये भी सुपर ऊपर इजी है वेटेड का मतलब यहाँ वेट से नहीं है वेटेड का मतलब किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है डाटा के अंदर मैंने आपको ये चीज करवाई थी वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मुला सुपर ऊपर इजी देखो जोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलोग तो आएगा ही आएगा ये तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन का अधिकार है आगे देखो समीशन log x अपॉन समीशन W बस इतना सा कंसेप्ट क्लियर है ये चीज बहुत सुपर डुपर इजी है आप देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वेटेड जोमेट्रिक मीन फूड आइटम्स दे रखे हैं आइटम्स क्या है देखो फूड रेंट क्लोथिंग फ्यूल दे रखा है इनका इंडेक्स नंबर दे रखा है वन ट्वेंटी वन हंड्रेड टेन वन ट्वेंटी वेट दे रखे हैं सेवन फाइव थ्री टू थ्री आप इसको एक्स काउंट करोगे और इसको क्या काउंट करोगे डब्ल्यू फॉमूला क्या है ध्यान से

क्लियर है चीज़ आप देखो मैं हर एक वैल्यू का आपको लोग एंटीलॉग नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं आराम सारी चीजें करवा चुकी हूँ टेबल से आपको हर एक वैल्यू का लोग एंटीलॉग निकालना है जैसे देखो ये एक्स है 120 का लोग निकालोगे 2.0792 आपका 2.06 भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा वो चेंज आ सकता है ऐसे 110 का निकालोगे ये रहा ऐसे सारी वैल्यूज का आप लोग निकालोगे ये येरा डब्ल्यू ये एरा डब्ल्यू लोग सारे इनका जितना भी है सम कर दो ये आ गया ठीक है फॉर्मुला में डालो फोर्टी वन पॉइंट फाइव थ्री टू एट नीचे समीशन डब्ल्यू इन सारे डब्ल्यूज को एड करके जो आंसर आएगा वो लिखोगे इनको डिवाइड करना पहले डिवाइड करने के बाद इनका क्या निकालना है एंटी लोग आपको आंसर मिल जाएगा मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी आप मैच कर पाओ बट एंटी लोग में इतने हैं सॉरी ज्योमेट्रिक मीन में, में इतने ही फॉर्मूलाज हैं इसके अलावा कुछ नहीं अब एक चीज मेरी बात ध्यान सुनो इसमें अब दो टाइप के क्वेश्चन हो आते हैं ठीक है एक टाइप में अभी करवा रही हूँ और एक मैं आपको समझाऊंगी एक तो करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यू वाला इसमें भी आता है जैसे मैंने आपको इन उसमें अर्थमेटिक मीन में करवाया था ना कि ये वैल्यू मिस रीड होगी पढ़ना ये था गलती से ये नोट कर ली वैसे ही क्वेश्चंस आपके पास किस में आएंगे दैट इज इन द किस में किसमें जोमेट्रिक बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे आप उसमें कहते समीशन लोग एक्स इनकरेक्ट वाला कैसे निकलता था वो आप निकालोगे फिर समीशन लोग एक्स करेक्ट वाला कैसे निकालते थे समीशन लोग एक्स इनकरेक्ट वाला माइनस लोग ऑफ जो वैल्यू आपने गलत पढ़ ली थी प्लस लोग ऑफ जो वैल्यू आप उस सही है उसमें ऐड कर समझ आ गई चीज जब समीशन एक्स हम करेक्ट निकालते थे ना उसमें हम समीशन एक्स इनकरेक्ट लिखते थे माइनस गलत वाली वैल्यू प्लस राइट वाली वैल्यू जिन्होंने एथोमेटिक मीन किया उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं ये क्या कह रही हूँ सिमिलरली अगर लोग एक्स इनकरेक्ट निकाल रहे हो करेक्ट वाला तो लोग एक्स इनकरेक्ट माइनस लोग ऑफ जो गलत वैल्यू पढ़ ली

ये दो नंबर्स है इनका अर्थमेटिक मीन टेन है अर्थमेटिक मीन होता है दो नंबर्स को ऐड करो फिर टू से डिवाइड कर दो मतलब ए प्लस बी बाई टू टेन है इसमें कोई दिक्कत चले आगे अर्थमेटिक मीन यही होता है ना अगर तीन है G, मतलब अर्थमेटिक लिख दो ये दो नंबर एड हो रहे नीचे टू आ गया ठीक है जीमेट्रिक मीन इन्हीं दो नंबर्स का एट है जोमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जितने ये नंबर है वन बाय पावर लो वो कितनी दे रखा है एट दे रखा है इसमें कोई दिक्कत चले आगे इसमें कोई परेशानी की ये अर्थमेटिक मीन मीनिक मैंने ऐसा क्यों लिया ये तो इसकी डेफिनेशन है अब a प्लस बी यहाँ पे टू डिवाइड हो रहा तो जाके है उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा मैं आज सारे क्वेश्चन कवर करूँ इससे रिलेटेड कौन से आते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ जाता है एंड स्पेशली फॉर बी सी एस स्टूडेंट्स ठीक है ए प्लस बी कितना आ गया ट्वेंटी आ गया अब ये पावर वन बाई टू है वन बाई टू मतलब रूट रूट पावर हमें पसंद नहीं हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं स्क्वेयरिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग ये टू से टू कैंसिल ए इंटू बी क्या आ गया सिक्सटी फोर आ गया इसमें कोई दिक्कत अगर किसी की पावर वन बाई टू है आप उसकी पावर टू लेते हो ये टू से टू कैंसिल हो जाता है सिर्फ ए इंटू बी बचेगा तो ए इंटू बी क्या आ गया सिक्सटी फोर ए प्लस बी क्या आ गया ट्वेंटी इनको सोल्व करके हम ए बी निकालेंगे समझ आई चीज अब ध्यान देखो ए प्लस बी कितना है यहीं पे कर दू ट्वेंटी ए इंटू बी क्या है सिक्सटी फोर ठीक है एक प्रॉपर्टी लिख रही हूँ इसको ध्यान से रखो दैट इज ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल माइनस फोर ए बी ये क्लास में की थी क्लास में की थी नहीं याद होगी तो अब याद रख लो ए माइनस बी का जो होल स्केयर होता है ना ए प्लस बी के होल स्केयर माइनस फोर ए बी लिख सकते हैं हमारे पास सारी वैल्यूज है ए प्लस बी क्या है ट्वेंटी डाल दो इधर ट्वेंटी का होल स्केयर माइनस फोर इंटू ए बी ए बी क्या है सिक्सटी फोर यहाँ पे डाल दो ठीक है ट्वेंटी का हो उसके दैट विल फोर हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर इंटू फोर जल्दी से कर लो 64 इंटू फोर आप कैलकुलेटर से कर लो सिक्स फोर दैट बी फोर एंड ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा ठीक है इसको माइनस ली टेन में सिक्स गए फोर नाइन में से फाइव गए फोर यहाँ पे क्या जाएगा वन दैट इज वन फोर्टी फोर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया वन फोर्टी फोर ए माइनस बी क्या आएगा दोनों तरफ रूट ले लो दैट विल बी प्लस माइनस ट्वेल्व आपको स्क्वेयर हटाना हो तो रूट लेना होता है रूट हटाना हो तो स्क्वेयर लेना होता है ये एक दूसरे के एंटी है अगर मुझे ये स्क्वेयर नहीं चाहिए मैं दोनों तरफ रूट ले रही हूं तो ये ए माइनस बी किसके प्लस माइनस ट्वेल्व के अंदर समझ आ गई चीज लेकिन हम नेगेटिव वाली तो कंसीडर करेंगे ही नहीं हम सिर्फ पॉजिटिव वाली लेंगे तो a माइनस बी में क्या ले लूंगी सिर्फ प्लस ट्वेल्व ले लूंगी समझ आ गई चीज तो a b मैंने क्या ले लिया प्लस 12 समझ आई ये नेगेटिव नहीं लेंगे डाटा है दोनों का हमें तो बस ये देखना है डिफरेंस कितना है तो मैंने पॉजिटिव भी उठा ली a b क्या आ गया 12 आ गया a b कितना था मेरे पास 20 था मेरा a b 20 दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो ये प्लस माइनस कैंसिल ये a a 2a और ये क्या बनेगा 32 a की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई समझ आ गई चीज इस ए की वैल्यू को इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, डाल दो, आ गई तो मुझे यही दो नंबर चाहिए थे ये ए और बी है क्या ए सिक्सटीन आया है बी फोर आया है दिस इज आंसर तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने यहाँ लिखा नहीं था लेकिन मैं अब आपको करवा दिया क्वेश्चन ये मेरा छोड़ने का मन ही नहीं किया क्वेश्चन को समझ आ गई चीज एक इनकरेक्ट करेक्ट वाली टाइप मैंने आपको समझा दी एक मैंने ये अलग सा क्वेश्चन आपको समझा दिया इसके अलावा जोमेट्रिक में, में कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने ये फॉर्मुला नोट करो क्वेश्चन अपनी बुक से लगाओ जहां कोई भी लोग की वैल्यू गलत आते है कुछ आते हैं कमेंट सेक्शन में पूछो मैं बताती हूँ वो वैल्यू ठीक है समझ आ गई चीज क्लियर है ज्योमेट्रिक मीन यहीं पे कंप्लीट होता है नेक्स्ट मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा मेजर्स ऑफ मेजरसी से दैट इज हार्मोनिक मीन उसके बाद ये आपका जो एक पोर्शन है सेंटेडेडेंसी का वो कंप्लीट हो जाएगा क्लियर है चीज सुपर डुपर इजी आई होप यू लाइक दिस वीडियो आपको समझ आया इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया दैट इज ड्रीम मैथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग